हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नतरहाट विद्यालय का जो फॉर्म जो लोग अप्लाई किए हैं उनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग बता रहा है उसको क्या करना चाहिए या जिन लोग का रिजेक्ट हो गया उन लोग को क्या करना चाहिए इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो भी जानकारी चाहिए फॉर्म से रिगार्डिंग फॉर्म के रिगार्डिंग सारा जानकारी आपको मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फॉर्म अगर अभी तक पेंडिंग लिख रहा है अभी तक पेंडिंग लिख रहा है और आप कब अप्लाई किए डिपेंड इस पे भी करता है तो दोस्तों कब आप अप्लाई किए इस पर भी डिपेंड करता है और यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कब यहाँ पे आप अप्लाई किए हैं और कैसे इसको आप सही कर सकते हो देखो यार यहाँ पे सही करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ है कि आप उस फॉर्म को सही कर सके या उस फॉर्म को मॉडिफिकेशन कर सके क्योंकि नताहट विद्यालय ओनली वन चांस देता है आपको दोबारा कोई भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं देगा ठीक है हालांकि बहुत लोगों का ऐसा हो जाए और नेतरहाट विद्यालय के द्वारा किसी तरह का मिस्टेक हो जाए तब भी वो मॉडिफिकेशन करने का टाइम दे सकता है अदरवाइज अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मॉडिफिकेशन का टाइम दिया क्योंकि बहुत लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भर दिया ऑफलाइन फॉर्म भरे तो उनको कैसे पता चलेगा तो आपको मैसेज के द्वारा कन्फर्म कर दिया जाएगा ठीक है मैसेज के द्वारा कन्फर्म किया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो बहुत लोगों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है और बहुत लोगों का मतलब जितने बच्चे थे बहुत ज़्यादातर बच्चे ने मुझे फ़ोन किया जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे जो मेरे से नहीं पढ़ते केवल मेरे वीडियो आ, एक दो वीडियो देखे हैं उन लोगों ने क्या किया डायरेक्ट मेरे पास फोन किया और बोला कि सर मेरा फॉर्म एस रिजेक्टेड बाय स्कूल लिख रहा है अब क्या करना चाहिए मैंने बोला कि बच्चों आप कोई ऑप्शन नहीं है आपने कहीं पर कहीं पर ना कहीं पर मिस्टेक किया होगा बिना मिस्टेक का नतरहाट विद्यालय आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकता उसके पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट करेगा और आपका फॉर्म में किसी भी तरह का फॉल्ट होगा तभी वो रिजेक्ट करेंगे अदरवाइज आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट नहीं हो सकता है और बहुत सारे बच्चे थे कि जो बहुत खुश भी हैं वो बता रहे हैं सर मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड हो गया एक्सेप्टेड बाय स्कूल हो रहा है क्या इसके आगे भी कोई प्रोसेस है नहीं है इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है ठीक है आपका फॉर्म अब आप बिल्कुल एक्सेप्ट हो चुका है आप आप पढ़ाई पर मन लगाइए आपका फॉर्म आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल आएगा अब ठीक है बहुत सारे लोग लोग ऐसे थे जो कि किसी कारणवश उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया तो उनका फॉर्म तो रिजेक्ट होना ही होना था इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि आजकल जो वेरीफिकेशन का लेवल है कुछ हाई हो चुका है अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन हो हो रहा है तो इस हिसाब से आप किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड करते हैं या किसी तरह का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स डालने का कोशिश करते हैं तो वहां पे पकड़े जाने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है नहीं हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है इसलिए किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म भरे तो उसमें किसी तरह का गलती ना करें जरूरी नहीं आपका डॉक्यूमेंट में ही गलती होगा कई बार होता क्या है कि हम साइबर कैफे में या तो घर से हम क्या करते हैं ऑफलाइन करते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं तो किसी वजह से हम जैसे ऑनलाइन करें तो हो सकता है वहाँ पे हम एड्रेस टाइपिंग गलत कर दें या तो कुछ भी हम गलत अगर कर देते हैं थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे उसकी वजह से भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जिन बच्चों का रिजेक्ट हो गया उनका दोबारा कोई चांस नहीं मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इन फ्यूचर अगर नेतरहाट विद्यालय ऐसा कोई ऑप्शन देती है तो मैं आप सब आप सभी को बताऊंगा कि कैसे करना है कैसे मॉडिफिकेशन करना है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मॉडिफिकेशन का कोई दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा तो बच्चों आज के इस वीडियो में आप सबको यही बताना था कि फॉर्म जब भी भरेंगे तो किसी भी तरह का मिस्टेक ना करें जरूरी नहीं आपका नाम में भी मिस्टेक हो सकता है आपका एड्रेस में भी मिस्टेक हो सकता है कहीं भी मिस्टेक हो सकता है और एक मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई पूरे मन से कीजिएगा क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है ना वो बहुत कम बचा हुआ है चलिए अभी तक आपने अगर मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है अगर अच्छा तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे पेड कोर्स को जो जरूर ज्वाइन करेंगे और यहाँ से अपना प्रेपरेशन का जो लेवल है ना उसको ग्रेडअप करेंगे तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय